मैग्नेट्स, और ये इतना ख़तरनाक है कि इसके जो हैवीनेट है ना वो बहुत ज़्यादा है, मतलब है जो मैग्नेटिक जो क्वालिटी है वो काफ़ी हैवी है। फ्रेंड्स, मैं पवन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब एक नई वीडियो में। ये देख सकते हैं हमारे पास में है लिनक्स का मैग्नेट्स, और ये इतना हैवी है, मतलब मैग्नेट्स की क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मैग्नेट्स है। देख रहे हैं यहाँ नीचे तक, यहाँ पे ये जो लोहे के गुण है ना, ये सबको कैप्चर करा है, दिख रहा है आपको ये सब कुछ, तो कैप्चर बहुत ही अच्छे से करता है। मतलब कि ये बिल्कुल जो खड़े खड़े दिख रहे हैं साइड साइड में, ये सब कुछ मतलब इनमें लोहे हैं, जबकि ये देख रहे हैं ये पत्थर जा रहा है। अब पत्थर में है कि कुछ जो पत्थर जाते हैं ना यहाँ से गिट्टी बनती है यहाँ पे, तो ये बेल्ट जो है ना यहाँ पे ये कन्वेयर है, इस कन्वेयर से जो ये पत्थर जा रहे हैं, इन पत्थरों में क्या होता है, कुछ पत्थर जो होते हैं मैग्नेटिक होते हैं, मतलब कुछ में लौह के गुण होते हैं, यानी कि लोहे के गुण होते हैं, तो वही जो होता है होता है यहाँ चिपकता। देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल चिपका हुआ है, ऐसे हटाऊंगा तो हटेगा, फिर वापस जाकर चिपक जाएगा, मतलब ये बिल्कुल मैगनेट है, देखिए बिल्कुल मैगनेट है, इसको हटाएंगे वापस उस पर चिपक जाएगा, तो ऐसे मैगनेट है। ये देखिए ये मैगनेट है सब, उसकी क्वालिटी देख रहे, वापस चला गया। अभी मैं इसको छुड़ाता हूँ, देखिए यहाँ से मैं इस जैसे है ना, ये है तो देखने में पत्थर ही है, देखिए यहाँ से मैंने छोड़ा है, इसको यहाँ रखूँगा, देखिएगा देखिए यहाँ पे तो मैंने छोड़ा है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे है मैगनेट, देखिए चक चिपक गया उसमें, तो ऐसे क्वालिटी के मैगनेट, देखिए मैं जैसे इसको छुड़ा रहा हूँ, देखिए यहाँ नीचे रखूँगा वापस जाकर ऊपर चिपक गया, तो ये चीज़ जो है ये मैगनेटिक क्वालिटी इसकी है भी है। देखिए मैंने इसको छुड़ाया यहाँ रखा, और देखिए अभी ऊपर जाके यहाँ देखिए जग चिपक गया, तो ये ऐसे मैगनेट जैसे इस पर ना जो बेल्ट पे ऐसे जब चल रहे होते हैं, तो इनमें होता क्या है कि कुछ जो चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मैग्नेटिक होती हैं, कुछ पत्थर ऐसे जो मैग्नेटिक होते हैं, आगे उधर कोन है जो गिट्टी बनाता है, अगर उसमें पत्थर चले जाए मतलब लोहा चला जाए, लोहे गुड़ चले जाए, तो कोन को ख़राबी कर सकता है, इसीलिए इसको लगाया गया, तय करे क्या है कि ये कैप्चर कर ले, मतलब कि उन जो भी आए मैगनेट्स उनको क्या कर लिए अपने तरफ खींच ले, इसके लिए यहाँ पर ये व्यवस्था लगाई गई है। आगे दिखाता हूँ मैं आपको कि इस साइड से ये इतना बड़ा है, मतलब कि काफ़ी ऊँचाई में लटका के ऊपर ये इतना हैवी है मैग्नेट, तो अगर कोई लोहा जाता है, कोई लोहे की प्लेट जाती है, या कुछ भी जो कि लौह गुण वाले जो भी चीज़ें होंगी उनको क्या करेगा, ये कैप्चर कर लेगा। फिर जा तो यहाँ से पत्थर ही रहे ना, ये जो जितने भी दिख रहे हैं आपको सब ये सब पत्थर है, तो पत्थर जाकर क्या बनेगा, गिट्टी बनेगा आगे, लेकिन ये मैग्नेट लगाने का बस यही फ़ायदा है कि जब भी कुछ जाएगा लोहे का चीज़ तो उसको कैप्चर करेगा, यानी कि वहाँ जो हमारा कोन है जो गिट्टी तोड़ता है, मतलब इनसे देखिए अभी ये पत्थर बड़े बड़े हैं, इनसे गिट्टी बनेगी, मतलब कि गिट्टी कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक 40 mm होगा, इसके बाद से एक 20 mm होगा, एक 10 mm होगा, एक चीरा होगी, एक डस्ट होगा, ऐसे करके 4-5 बड़ा गिट्टियाँ बनती हैं, तो वो सब जो गिट्टियाँ हैं वो सब आगे कौन बनाता है, अलग अलग साइज़ का तोड़ता है, कौन पर जाएगा माल स्क्रीन में, स्क्रीन से बनेगा, कभी बता दूंगा इसको मतलब विस्तार से। अभी हम बता रहे हैं इस मैगनेट्स के बारे में, तो ये इसकी क्वालिटी है, तो काफ़ी हैवी है, ये बहुत वजनी भी है। एक बार यहाँ पर क्या होता ना, एक बार यहाँ पर लोहा चिपक गया था, मतलब प्लेट खोल के आई थी उधर साइड से हम लोग की, और जब ये सजाए तो प्लेट को यहाँ चिपका दिया, प्लेट को छुड़ाने के लिए 3 लोग लग रहे हैं, छूट नहीं जाते, इतना हैवी ये पकड़ लेगा ना जब लोहा इस चीज़ को, तो छुड़ाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, छोड़ता नहीं है, मतलब इतना हैवी ये मैग्नेट है, मतलब इसके अंदर की जो मैग्नेटिक गुण है वो बहुत ज़्यादा हैवीनेस वाली चीज़ है। देखिए जैसे मैंने इसको यहाँ पर छुड़ा, देखिए यहाँ रखा ना, देखिए गाड़ी देख रहे हैं चला गया, तो इस बेल्ट पर चलते हुए जैसे ही लोहे वाले गुड़ वाले जैसे पत्थर जो है, पत्थर में अब सोचिए जो चिपके हुए हैं इनके अंदर लोहे के गुड़ हैं, तभी तो चिपके हुए हैं, तो मतलब इनमें लौह गुड़ इनके अंदर में है, देखिए इधर भी है सब, जैसे यहाँ दिख रहा है ऐसे, इसको मैं यहाँ से हटाऊंगा, देखिएगा ये पूरा चिपक जाएगा वापस, तो ये सब ऐसे ऐसे गुड़ वाले जो है ना, ये बिल्कुल ये सब मैग्नेट है, अब मैग्नेट नहीं लोहा के गुण इनके अंदर, ये तो पूरा पूरा ये मैग्नेट है, लेकिन इनके अंदर जो जो चिपके हुए हैं यहाँ पर, लग तो पत्थर ही रहे हैं, लेकिन इनके अंदर क्या है, लोहे के गुण इनके अंदर शामिल है, सो क्या हो रहा है, ये बिल्कुल चिपका दिया, जिससे हमारा वो जो कोन है वो ख़राब ना हो, तो ये इसकी क्वालिटी है, ज़रूरी है इसको लगाना, तो ये कंपनी है, कंपनी का कोई मतलब नहीं भाई, कुल मिला के इसका होना जरूरी है, अलग अलग कंपनियों के मैग्नेट्स आते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैंने देखा है इसको काफ़ी दिन से, मैं यहाँ पे रह भी रहा हूँ तो अच्छा काम करता है, मेरा यहाँ पे लाइट का काम है, मैं सोच रहा कि इसको आपको दिखा दूँ, लाइट का काम मैं यहाँ पर करता हूँ, देखिए यहाँ छुड़ाऊँगा मैं, जैसे ही है ना इसको छुड़ा रखा, जैसे ही मैं जैसे देखिए अब ये पत्थर है, देखने में क्या लग रहा है, ये पत्थर है ना, देखिए देखते हैं हाथ से गए वापस तुरंत खींच रहे, मतलब इसके अंदर लोहे के गुड़ हैं, देखिए ये सब क्या है, नॉर्मली पत्थर गिट्टी लग रहा है, देखिएगा यहाँ पर देख रहे, जाते जाते क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, तो ये चीज़ है तो पत्थर, लेकिन इनके अंदर लोहे के गुड़ हैं, इसीलिए देखिए मैंने यहाँ से इसको छोड़ा रहा हूँ, मैं देखिए इसको छोड़ा कर लेके आया नीचे लेके आया, देखिए मैं यहाँ से इसको यहाँ से छोड़ूंगा, देखिएगा ऊपर जाकर अपने आप चिपकेगा, देखिएगा ये छोड़ा, देखिए गया ना, तो ऐसे जो उनके अंदर लोहे का गुड़ होगा, जो गिट्टी है, जो पत्थर है, उनको ऑटोमेटिक क्या कर लेगा, वो
कैप्चर कर लेगा। तो इससे फ़ायदा ये रहेगा कि हमारा जो मशीन है, फ़ोन है, वो ख़राब नहीं होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही बताना था इसके बारे में। आगे कहिएगा तो मैं बनाऊँगा पूरी वीडियो इसकी, तो बना दूँगा उसका। अभी ये सब हमारा है जो जिससे ये गिट्टी ऐसे आती है, वो मशीन वहाँ से कैसे जाएगी और जा करके कौन में जाएगी, कौन आ गया, तो ये वहाँ पे कैप्चर करता है। चलिए मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम एंड बाय बाय। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब डेफिनेटली आपका फ़र्ज बनता है, ज़रूर करिएगा, ओके। और हमें सपोर्ट करें ताकि आपके लिए और भी वीडियो बनाते रहें, हम हर प्रकार वीडियो बनाते हैं ताकि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे, ओके। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।